दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप रिमोट डेस्कटॉप विदाउट पासवर्ड कैसे आप ले सकते हैं। आमतौर पर तो ये होता है कि हम इसका डिवाइस का आईपी देते हैं या कंप्यूटर नेम लिखते हैं और फिर पासवर्ड देते हैं, फिर ये रिमोट डेस्कटॉप आ जाता है। तो सिंपल काम है, आपने सिर्फ और सिर्फ आपने जो जिस सिस्टम का आपने रिमोट लेना है उस सिस्टम पर आ जाना है और यहाँ आपने टाइप कर लेना है, मतलब ये ऑप्शन बोल लेनी है, मतलब स्टार्ट का बटन दबाकर एडिट ग्रुप पॉलिसी इसको आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद एक छोटी सी एक विंडो ओपन होती है, इसको हम एक्सटेंड कर लेते हैं, मतलब इसको बड़े कर लेते हैं और यहाँ से इसमें ऑप्शन ढूंढनी है आपने विंडोज सेटिंग्स की। विंडोज सेटिंग्स के ऊपर क्लिक कर लेना है और उसके बाद फिर ये आना है आपने लोकल पॉलिसीज में। लोकल पॉलिसीज में आकर सिक्योरिटी ऑप्शन में और यहाँ से आपने ऑप्शन ढूंढनी है अकाउंट लिमिट लोकल अकाउंट, ये चौथी ऑप्शन है, इसके ऊपर डबल क्लिक करना है और इसको डिसेबल कर देना है और अप्लाई पर क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। ये काम आप कंप्लीट हो गया है। अब आपने ओपन करना है एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स और इसमें जाना है सिस्टम में और यहाँ से ऑप्शन ढूंढनी है आपने क्रेडेंशियल्स डेलीगेशन, यहाँ से लास्ट वाली ऑप्शन है लास्ट रिस्ट्रिक्ट डेलीगेशन, इसके ऊपर डबल क्लिक कर लेना है और डिसेबल के ऊपर क्लिक कर लेना है, अप्लाई कर देंगे और ओके कर देंगे और इस विंडो को हम बंद कर देंगे। अब विंडोज का बटन दबाकर यहाँ आप टाइप करेंगे कंप्यूटर मैनेजमेंट और यहाँ से आप ऑप्शन ढूंढेंगे लोकल यूजर एंड ग्रुप्स, इसको बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ से आपको नजर आ जाएगा। ये देखें यूजर वाली जो फोल्डर है इसको ओपन करके यहाँ राइट क्लिक करके न्यू यूजर आपने बना लेना है, एडमिन कर लेंगे और यहाँ डिस्क्रिप्शन के लिए कुछ भी आप लिख लें। मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि विदाउट रिमोट डेस्कटॉप पासवर्ड, ये विदाउट पासवर्ड और इसको अनचेक करके यहाँ टिक लगा देंगे और पासवर्ड हमने ब्लैक छोड़ देना है और क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब क्लोज कर देंगे, क्लोज करने के बाद देखेंगे यूज़र हमारा बन गया है। अब आएंगे ग्रुप्स वाले फोल्डर में और यहाँ से रिमोट डेस्कटॉप वाले जो यूज़र है इसको ओपन कर लेना है और ऐड के ऊपर क्लिक करके यहाँ एडमिन टाइप करेंगे और चेक नेम्स वाली ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो देखें कि पासवर्ड हम ये यूजर जो है वो उसने एक्सेस कर लिया, ओके कर देंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। अब ये देखें कि ये देखें यूज़र हमारा ऐड हो गया है। अब आप यूज़र वाले फोल्डर में दोबारा जाके ये देखें कि मेम्बर ऑफ ये देखें ये रिमोट डेस्कटॉप यूज़र हमारा एडमिन जो है वो बन गया है। अब इसको आपने क्लोज कर देना है, क्लोज करने के बाद दिस पीसी के ऊपर राइट क्लिक करना है और इसकी प्रॉपर्टीज में आ जाना है और यहाँ सबसे पहले आपके पास आ रहा है डिवाइस नेम, इसको आपने नोट कर लेना है, अब इसी के थ्रू इसको एक्सेस करेंगे। उसके बाद आ जाना है सिस्टम प्रोटेक्शन में, सिस्टम प्रोटेक्शन में ये रिमोट वाली ऑप्शन आपने चूज कर लेनी है और यहाँ ये नीचे ऑप्शन आ रही है ये वाली चूज अलाउ कनेक्शन, इसको आपने टिक कर लेना है, ओके पर क्लिक कर देना है, अप्लाई कर देना है और ओके कर देना है। अब आपकी सेटिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हमने जाना है अपने लैपटॉप या सिस्टम पर जहां से हमने रिमोट एक्सेस करना है। अब यहां हमने उसका कंप्यूटर का नाम लिख देना है जो हमने नोट किया और नीचे उसका पासवर्ड लिख देंगे, मतलब उसका यूजर नेम लिख देंगे एडमिन और ओके कर देंगे, तो ये पासवर्ड हमने यहाँ नहीं देना और ओके के ऊपर क्लिक कर देना है और ये देखें कि पासवर्ड जो है वो पास हो गया है, आपका रिमोट डेस्कटॉप विदाउट पासवर्ड एक्सेस हो जाएगा। अभी यह कह रहा है कि यूजर जो है वो किसी और यूजर से लॉगिन है, इसको आप यस कर देंगे तो यस करेंगे तो जिस कंप्यूटर का हमने रिमोट लेना है उसके पास ये ऑप्शन आएगी, इसको हमने ओके कर देना है, मतलब दूसरे यूजर को हमने अलाउ कर देना है, इसको ओके कर देंगे तो ये देखें कि हमारे लैपटॉप के पास इसकी एक्सेस मिल गई है और ये देखें ये प्रोफाइल बनेगी और इस तरह से आप किसी भी यूजर का रिमोट डेस्कटॉप विदाउट पासवर्ड आप ले सकते हैं। तो ये वाला पास से ये वाला मेथड मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, बेहतर तो यही है कि आप ये इनका पासवर्ड लगाएं ताकि सिक्योरिटी मेंटेन रहे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें।